स्वागत है आप सबका अपने चैनल यूपीएससी लाइफ में। आज हम लोग जो है यूनिट 2 के कंटिन्यूएशन में हम लोग चार महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये जो चारों ही टॉपिक्स हैं आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और यूनिट 2 के जो दो लेक्चर्स हैं उसे भी पहले देख लीजिए। किसी भी वीडियो को ब्रेक करके आगे मत बढ़िएगा, कंटिन्यूटी में देखिएगा, तभी जो है चीजें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो फिर चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और ये जो चारों ही टॉपिक्स हैं इन्हें आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सरल भाषा में मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जो है आपको यह ऑप्शनल इजी लगे और अपनी भाषा में जो है आंसर लिख सके। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो अपने स्वविचार का होता है, स्वविचार और स्वशब्द, यानी कि अपने शब्द जो है आपको लिखने हैं। क्योंकि मेंस में इतना समय नहीं होगा कि आप किताब के और नोट्स के शब्दों को लिख सके, तो इसलिए अपने विचारों और अपने शब्दों को किसी भी कॉन्सेप्ट में समझना है और उसे डालना है। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक पद्धति। यह जो कॉन्सेप्ट है इस पद्धति में जो अध्ययन किया जाता है वो इसके शब्द में ही लिखा है, ऐतिहासिक यानी कि इतिहास के जो तथ्य होंगे उसके आधार पर अध्ययन किया हो जाएगा। अब जैसे हमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का मूल्यांकन आधुनिक समाज के नगरीकरण से करना है। नहीं, नहीं, ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमें जो है अध्ययन करना है तो ये तो इतिहास की घटना है, तो कहां पर पढ़ेंगे? ऐतिहासिक पद्धति में पढ़ेंगे, यानी कि वे सभी घटनाएं जो इतिहास में हो चुकी हैं, यानी कि जिनका जो टाइम पीरियड है वो बीत चुका है। अब जैसे कि हमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है तो वो हम ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे और भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो उसके लिए विश्व को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, ये हमें ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही पता चलेगा। यानी कि यह जो पद्धति होती है वह यह जानने की कोशिश करती है कि जो इतिहास में घटनाएं घटित हो गई हैं वो घटनाएं भविष्य में ना घटित हो, वो इस पद्धति के अध्ययन का प्रमुख कारण है। समझ रहे? और यह पद्धति हमें बताती है कि हमें इतिहास से किन किन बातों को सीखना चाहिए। ऐतिहासिक पद्धति हमें यह भी बताती है कि हमें इतिहास की यानी कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनसे हमें क्या क्या सीखना चाहिए, ये हमें ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही पता चलता है। तो कुल मिलाकर यह पद्धति हमें यह बताती है कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसका निष्कर्ष क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहती है, और जो भविष्य है वो कैसा होना चाहिए। ये हमें ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही पता चलता है। तो बस ये जान लीजिए कि इतिहास के द्वारा भविष्य देखने की कोशिश की जाती है, इतिहास से भविष्य देखने की कोशिश की जाती है। लेकिन बस इस ऐतिहासिक पद्धति की कमी ये है, कमी बस जान लीजिए कि यहां पर जो तथ्य मिलते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई इतिहासकार है जो उसने अध्ययन किया है, उसने हो सके सुनी हुई कहानियों के आधार पर किया हो और वो कहानियां हो सके सत्य ना हो,
क्योंकि बचपन से जो हम लोग खरगोश और कछुए की कहानी सुन रहे हैं, क्या वो कहानी सच में हुई है कि नहीं हुई है? क्या इसका कोई प्रमाणिक आधार है? तो कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। तो ऐतिहासिक पद्धति की कमी बस यही है कि उसमें जो तथ्य हमें मिलते हैं उसमें सत्यता का अभाव रहता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी पद्धति के बारे में जानते हैं जो है तुलनात्मक पद्धति। और इस तुलनात्मक पद्धति के जनक हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसके जनक हैं दुर्खीम। दुर्खीम जो है इस पद्धति के जनक हैं, और इन्होंने इस पद्धति का वर्णन जो है वो कहां पर किया है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये उनकी बुक है, और उस किताब में इन्होंने पहली बार जो है तुलनात्मक पद्धति के बारे में बताया। तुलनात्मक चीजों में क्या होगा? यहाँ पे दो पक्ष होंगे और दो पक्षों की तुलना की जाएगी। जैसा हमारे परिवार में भी होता है कि अरे देख रहे हो फलाने पड़ोसी जो मिश्रा जी हैं उनका बेटा जो है देखो कितना अच्छे में पढ़ने में अच्छा है, और उसका सिलेक्शन जो है देखो IAS में हो गया या सिविल जज बन गया, और तुम अभी तक तैयारी कर रहे हो CGL की। तो पिताजी को कौन बताए कि CGL का रिजल्ट 3 सालों से आया ही नहीं है, CGL की वैकेंसी हो ही नहीं रही है टाइम पे। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वहां पर दो पक्ष होते हैं और दो पक्षों की तुलना की जाती है, और उसके द्वारा एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि कहाँ पर क्या चीजें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये अभाव होता है, यहाँ पर भी तथ्यों का कभी कभी अभाव होता है। कभी कभी होता है, ये बात जान लीजिएगा, हमेशा नहीं होता है। लेकिन ये जो तुलनात्मक अध्ययन तभी सफल हो सकता है जब दोनों पक्षों के बारे में सही तथ्य हमें पता हो, नहीं तो वो जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। और इन्होंने जो अध्ययन किया था पहली बार गांव और शहर के बीच का जो जीवन था, शहरी लोग थे उनके बीच में अध्ययन किया था और जानने की कोशिश की थी कि उनकी जो जीवन शैली है उसमें क्या अंतर होता है, और इसी के द्वारा जो है तुलनात्मक पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यवहार में आया। तो तुलनात्मक पद्धति बहुत ही सरल है, आप लोग जान सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट दुर्खीम ने दिया, और कहाँ पर दिया? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में दिया, और यह बताने की कोशिश की कि दो पक्ष होंगे और उनके बीच में तुलना की जाएगी और एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि उत्साह उदाहरण समझाने की कोशिश करिए, तो हमेशा जो है दो पक्ष ले लीजिए कि एक मैं हो गया और एक मेरा दोस्त हो गया, और इन दोनों के बीच में जो है हमेशा तुलना की जाती है कि कौन बेहतर है। तो बेहतर क्या है? गुणों के आधार पर जो है वह मूल्यांकन किया जाएगा कि किसके गुण बहुत अच्छे हैं, कौन दारू पीता है, कौन दारू नहीं पीता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन सिगरेट नहीं पीता है, कौन कितने घंटे पढ़ता है, कौन कितने घंटे नहीं पढ़ता है, कौन बड़ों का सम्मान करता है, कौन बड़ों का सम्मान नहीं करता है। तो ये है तुलनात्मक पद्धति के कॉन्सेप्ट जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ रही होगी कि जो तुलनात्मक पद्धति होगी इसमें दो पक्षकार होंगे। जिस तरीके से किसी भी न्यायालय में दो पक्षकार होते हैं, एक जो होता है एक आरोपी होता है और एक जो होता है जिसके जिसके ऊपर ये अपराध हुआ है, तो हमेशा दो पक्ष होंगे और तुलना की जाएगी, और तुलना करने के बाद जो है न्याय देने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से न्यायालय का काम होता है दो पक्षों के बीच में न्याय प्रदान करना, ठीक उसी प्रकार से तुलनात्मक पद्धति का काम होता है कि एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है संघर्षात्मक पद्धति। देखिए, इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि हर समाज में हमेशा दो ही वर्ग होंगे, दो वर्ग होंगे और उनके बीच में हमेशा संघर्ष होता रहेगा।
संघर्ष क्यों होगा? क्योंकि एक पहला वर्ग होगा उच्च वर्ग जिसके पास बहुत पैसा होगा, और दूसरा वर्ग होगा निम्न वर्ग जो इनकी सेवा करेगा। और इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी आय कम है और इनका हमेशा शोषण हो रहा है, तो शोषण वर्ग ही हमेशा आवाज उठाता है। कहां पर आवाज उठाएगा? इनके खिलाफ आवाज उठाएगा कि जो है शोषण कम करो। जैसे अभी देखिए, जब कभी भी अभी देखते हैं किसान जो है आंदोलन करते हैं, क्यों आंदोलन करते हैं? क्योंकि इनका शोषण किया जा रहा है। ये जो जितना मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो ये किसके खिलाफ आंदोलन करते हैं? सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, यानी कि जो इनकी बात नहीं सुन रहा है उसके खिलाफ जो है ये आवाज उठाएगा। कौन? शोषित वर्ग, जिसका शोषण हो रहा है। और हमेशा कार्ल मार्क्स का मानना रहा है कि हमेशा जो भी समाज होगा उसमें बस दो ही वर्ग होंगे, मध्यम वर्ग नहीं होगा। यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी कमी है कि मध्यम वर्ग भी होता है, मिडिल क्लास भी होता है। बस इस कॉन्सेप्ट की बस यही एक कमी है कि जो मध्यम वर्ग है उसका अभाव होगा, जिसे जो है कार्ल मार्क्स ने निग्लेक्ट करने की कोशिश की है, इग्नोर करने की कोशिश की है कि मध्यम वर्ग भी होता है। ठीक है, तो बस ये मान के चलिए कि जो प्राचीन इतिहास रहा है हमेशा वहां पर देखिए क्या रहा, एक सामंत रहा है, सामंत वर्ग रहा है, और एक कृषक वर्ग रहा है, नहीं एक श्रमिक वर्ग रहा है। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक वर्ग रहा है, यहाँ पे फिर जो है जमींदार वर्ग बढ़ा, फिर जमींदार वर्ग आया, फिर एक कृषक वर्ग आया, फिर एक जो है राजशाही पद्धति आई कि राजशाही और प्रजा, यानी कि राजा ने जो आदेश दे दिया उसको प्रजा को पालन करना है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने इसका मूल्यांकन किया कि हमेशा समाज में दो ही वर्ग होंगे और ये जो है हमेशा इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहेगा, और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो है ये तख्ता पलट ना हो जाए। तो ये तख्ता पलट हुआ भी फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुआ, और ये राजशाही पद्धति से क्या हुआ था, लोकशाही लोकतंत्र के रूप में जो है वो परिवर्तन हो गया था। तो ये देख रहे हैं किस रूप में परिवर्तन हुआ, और ये जो संघर्षात्मक पद्धति है इसका यही निचोड़ ही है कि सत्ता में परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन कैसे आएगा, विरोध के माध्यम से आएगा, और यही विरोध जो है इस संघर्षात्मक पद्धति का मूल बिंदु है कि जब तक विरोध नहीं होगा तब तक जो है परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि जब कभी भी आपका शोषण होगा तो शोषण के प्रति जो है आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही हमेशा शोषण होता रहेगा, और आवाज उठेगी तो फिर परिवर्तन आएगा ही आएगा, और यही है इस सिद्धांत का प्रमुख निचोड़ जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति। यह जो अध्ययन पद्धति है जिसे हम लोगों को समझना है, यह देखिए प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति क्या है, इसमें बस विज्ञान का रोल है। किस रूप में? जैसे कोई भी प्रयोगशाला होती है, देखिए कोई भी प्रयोगशाला होती है तो वह प्रयोगशाला क्यों एस्टेब्लिश हुई, विज्ञान की वजह से। क्यों? क्योंकि विज्ञान का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और अगर एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएंगे तो फिर साइंस भी खत्म हो जाएगी। साइंस को जिंदा रहने के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए, यानी कि समाज में समय के साथ साथ प्रयोग होते रहते हैं, और जिस समाज में प्रयोग होंगे वह समाज जो है प्रयोग सिद्ध पद्धति का पालन करता है। यानी कि मान लेते हैं कि भारत एक देश है और भारत में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, प्रयोग नहीं हो रहे। जैसे अगर मान लेते हैं कि चंद्रयान 2 है,
और चंद्रयान टू पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, लेकिन सफल माना जा रहा है। तो यानी कि अगर चंद्रयान टू के बाद चंद्रयान थ्री ना लाया जाए, तो यानी कि हमने फिर अगला एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, यानी कि अस्तित्व खत्म। चंद्रयान के अध्ययन का, जो चंद्रमा के अध्ययन की बात कही जा रही है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी विषय का अस्तित्व बनाए रखने के लिए या जो प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन जानना बहुत ही जरूरी है समाज के लिए, और वह परिवर्तन हमें तभी पता चलेगा जब एक्सपेरिमेंट होंगे। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही जो है हमें परिवर्तनों के बारे में पता चलता है कि वहां पर जीवन है कि नहीं है, अब समय के साथ जीवन है कि नहीं। जैसे मालूम चला कि 2000 सन में पता चला कि चंद्रमा, मान लेते हैं कि ठीक है ऐसा सच नहीं है, मान लेते हैं कि चंद्रमा पे जीवन नहीं है, लेकिन 3000 सन में, 3000 ईस्वी में पता, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कि समय के साथ वहां जीवन की संभावनाएं खुली हैं कि नहीं खुली हैं। मालूम चला कि 3000 ईस्वी में जीवन है लेकिन वहां एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया गया, तो कभी पता ही नहीं चलेगा। बस हम ये मान के चलेंगे कि जीवन 2000 ईस्वी में नहीं था, लेकिन 3000 ईस्वी में है कि नहीं ये तभी पता चलेगा जब यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट पद्धति यानी कि प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति के द्वारा हमें समय के साथ परिवर्तन के बारे में पता चलता है, और जीवन में, समाज में परिवर्तन हमेशा ही होता रहता है। परिवर्तन जो है वो जीवन की प्रक्रिया है, और इस परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो हमें यह बताने की कोशिश करती है कि समय के साथ यह बदलाव हुआ है। तो बदलाव का अध्ययन जो है हमें इस पद्धति के द्वारा पता चलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रयोग सिद्ध अध्ययन पद्धति जो है वह जीवन में कितना उपयोगी है और एक समाज के लिए कितना उपयोगी है, जो समाज को यह बताता है कि इसका अनुसरण जो है इस समय के अनुसार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमें इसी पद्धति के द्वारा पता चलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब समय के साथ जो है लोगों ने जो है नॉनवेज खाना प्रारंभ कर दिया है। अब ऐसा ये जो है जाति के आधार पर ऐसा नहीं रहा है, पहला ऐसा था कि इस जाति के लोग ही नॉनवेज खाएंगे, लेकिन अब ये परंपरा हट गई है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों को अब लगने लगा है कि हेल्थ के लिए नॉनवेज खाना जरूरी है। तो ये सभी तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता हुआ कि कई लोगों ने प्रयोग किया हुआ कि भाई चलो खा के देखते कि ये शरीर में लगता भी है कि नहीं, कैसा टेस्ट आता है पहले ये तो जाने। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां बनाई, यार ये बहुत खराब लगता, खाओगे तो सीधे उल्टी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि पहले खा के देखते हैं, फिर कुछ लोगों ने खाया, फिर चार लोगों को बताया, फिर चार लोगों ने फिर से खाया और फिर उन्होंने चार लोगों को बताया। ये तो इस तरीके से परिवर्तन हुआ। यानी कि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे परिवर्तन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूनिट 2 समझ में आ रही है। जहां पर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। हम लोग जो है अगले वीडियो में इस यूनिट से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आपको बताएंगे कि ये सभी प्रश्न जो है आपको किस रूप में यूनिट 2 को समझाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आंसर राइटिंग पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आपको ये यूनिट समझ में नहीं आई। अगर आपको इस यूनिट को समझना है तो इस यूनिट के सभी प्रश्नों को सॉल्व भी करना होगा, तभी जो है आपको यह यूनिट समझ में आएगी। आपको भरोसा तभी आएगा जब आप इस यूनिट के सभी प्रश्नों को आंसर फॉर्म में लिखेंगे और उसका मूल्यांकन कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.